साल, चार साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में मानसून ने फिर दस्तक दे दी, जिसके चलते आसमान में बादल छाए रहे और बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया। बीते दिन राज्य के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की। इसके अलावा अलवर के रामगढ़ में बीते दिन शाम 4 बजे तक 47 मिमी बारिश दर्ज की। बारिश से बांधों में पानी की आवक अच्छी हुई। साथ ही जयपुर, पिलानी, अलवर, सवाईमाधोपुर और अजमेर में भी बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। इसके साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सियासत के जादूगर कहलाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादुई पिटारा आज खुलने जा रहा है। जादुई पिटारे से कई सारे नकदी नाम निकल कर सामने आएंगे। दरअसल पिछले एक सप्ताह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर रोज एक सस्पेंस भरा ट्वीट कर रहे हैं, जिससे कुछ भी खास आने की बात कह रहे हैं तो अभी कहा जा रहा है कि अपने फोन को चार्ज रखें, तो वहीं सरप्राइज की बात कह रहे हैं। अब मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जब पर्दा हटेगा तो कुछ खास मिलेगा। बिलाड़ा के भोपालगढ़ में पंचायत समिति क्षेत्र के रजलानी ग्राम पंचायत में आयोजित 2 दिवसीय प्रशासन गांवों के संग अभियान व महंगाई राहत शिविर का गुरुवार को समापन हुआ। मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटे तो उनके चेहरे पर मुस्कान छाई नजर आई। युवा सरपंच पारस गुजर ने शिविर में पहले हर वार्ड में जाकर जनता को जानकारी देकर जागरूक किया था। देशनोक में भारी बारिश से जलभराव हुआ। नगरपालिका के अंदर तक पानी पहुंच गया। बारिश का जलभराव की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलते हुए ये तस्वीरें आप देख लीजिए। वो हालात ऐसे बने हैं कि स्कूली बच्चों को भी गंदगी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि देशनोक का मुख्य मार्ग, जिसमें मरीज, विद्यार्थी, श्रद्धालु सहित अधिकांश कस्बेवासी आते जाते हैं, और आप भी देख लीजिए क्या हाल है इस रोड से कि इतना ज्यादा पानी है कि लोग इसमें उतरने से कतरा रहे हैं। दूसरी ओर घरों में, दुकानों में पानी घुसाया। लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था न होने पर नगरपालिका के खिलाफ आक्रोश जताया। जाजपुर क्षेत्र के बरोदा ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी व विद्यालय सहायक को गुरुवार शाम को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। परिवादी लोकेश मीणा ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता सोनाथ मीणा ने नाम स्वीकृत किया। प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त डालने व जियो टैग करने की आवज में पंचायत सहायक शैतान तेली व ग्राम विकास अधिकारी गणराज रेगर ने 20,000 की राशि मांग रही हैं। इस पर भीलवाड़ा एसीबी सीआई नरसीलाल मीणा के नेतृत्व में टीम ने सत्यापन कर गुरुवार को दोनों को 18,000 की राशि लेते धर दबोचा। जोधपुर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर अहमदाबाद का उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। जोधपुर में आयोजित समारोह में जल शक्ति मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत व सांसद राजस्थान राजेंद्र गहलोत उपस्थित रहेंगे। अलवर में पूर्व मंत्री ने भूमि बाबा के धोखे देकर खुशहाली की कामना की। उद्योग मंत्री पर आरोप भी लगाए। बांसुर में 6 जुलाई को पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा गुरुवार को बांसुर विधानसभा के एक दिवसीय दौरे पर रहे।
इस दौरान गिरुड़ी गांव में भूमिया महाराज के मेले में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिताज शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मेला कमेटी ने पूर्व मंत्री का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने भूमिया बाबा के दुख देकर क्षेत्र में शांति और खुशहाली की कामना की। पूर्व मंत्री ने मेले में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि आज सड़क और जल जीवन मिशन योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला है। मकराना के कस्बा बोरावड़ में 11,000 केवी लाइन में भैंस की मौत हो गई। जननानी का अंदेशा, मौके पर पहुंचकर जयन को ग्रामीणों ने खरी खरी सुनाई। डेढ़ माह से बिखरे पड़े हैं विद्युत तार, समाधान अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि 11,000 केवी लाइन पिछले डेढ़ माह से तूफान की चपेट में आकर टूट पड़ी है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी आज तक विद्युत पोल व लाइन को दुरुस्त नहीं किया गया। जयन को ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुनाई तो वहीं आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों को राजकार्य में बाधा पहुंचाने की धमकी दे डाली जयन ने और मौके से चले गए। विद्युत विभाग के अभद्र व्यवहार से ग्रामीणों में भारी रोष है। अशोकनगर जिले के गांवों में हालात बारिश में और भी खराब होते जा रहे हैं। इतने खराब कि एम्बुलेंस तक कई किलोमीटर पहले थम जाती है। गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए उसकी खटिया को चार लोग कंधा देकर ले जाते हैं। सड़कों का जाल बिछाने और विकास की बातें यहां केवल खोखली साबित हो रही है। ग्रामीण इस सड़क के निर्माण के लिए कलेक्टर समेत कई बड़े नेताओं से गुहार लगा चुके हैं। दरअसल अशोकनगर जिले के खास झांसा खेड़ी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गांव की एक औरत विद्या बाई को खटिया पर रखकर इलाज कराने के लिए ले जा रहे हैं। गांव में करीब 25 से 30 परिवार रहते हैं और मुख्य मार्ग से गांव 1.5 किलोमीटर अंदर बसा हुआ है। चंदेरी तहसील अंतर्गत आने वाला मॉडल स्कूल, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, इसका मुख्य कारण है कि कुशल शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में मजबूती प्रदान कर बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जाना। इसी के चलते पूर्व से लेकर अभी तक इस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जिले व प्रदेश के मेरिट में स्थान बनाकर चंदेरी नगर का गौरव बढ़ाया। वहीं विद्यालय में अध्ययन कार्य के शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान होती है। कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक बीबीजीटी एस मूर्ति ने महिला थाने का वार्षिक निरीक्षण कर थाने की साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव और सीसीटीएनएस कार्यालय और थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण किया। कानपुर देहात में एक बार फिर आकाशीय बिजली का कहर, दो अलग अलग स्थानों में बिजली गिरने से जनहानि हुई। भगनीपुर तहसील के शाहजहापुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक बालक की मौत हो गई। वहीं तहसील क्षेत्र के निरा कृपालपुर में एक युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आकर झुलस गया। भगनीपुर तहसील क्षेत्र के कई गांवों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके